राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3:15 पर राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल के नामों पर फाइनल मुहर शुक्रवार शाम दिल्ली में लगी है। शपथ से पहले सीएम भजन लाल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे और मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट सौंपी है। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं, तो वहीं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए विधायकों के पास फोन पहुंचने भी शुरू हो गए। श्री माधोपुर विधायक झाबर सिंह खर्रा के पास शपथ के लिए फोन आया है। झाबर सिंह ने इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने कहा, भाजपा नेतृत्व का आभार जो उन्होंने मंत्री बनाने योग्य समझा। आपको बता दें, मंत्री बनने वाले विधायक पहले बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। बीजेपी ऑफिस से मंत्री बनने वालों का तिलक लगाकर रवाना किया जाएगा। महिला मोर्चा के पदाधिकारी तिलक लगाकर स्वागत करेंगी। यह पुरानी परंपरा है, इस बार भी यह परंपरा निभाई जा रही है। आपको बता चले, जीते हुए विधायक जो प्रदेश से भाजपा कार्यालय पहुंचे, उनसे नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है। आपकी तरह हूँ, अरे शपथ ग्रहण समारोह में बधाई देने के लिए आया हूँ जो नए मंत्री बन रहे हैं उनको। कार्यकर्ताओं ने तो आपको बधाई दे दी है। नहीं, मेरे को बधाई नहीं दी है, गलत है ये बात। हमारे नहीं, हमारे पास कोई प्रकार का कॉल नहीं बुलाया गया। पार्टी कार्यालय नहीं बुलाया गया, मैं वैसे आया हूँ मिलने के लिए। जो मंत्री बन रहे हैं उनको, आप ही मंत्री बन रहे हैं, जा रहे हैं पार्टी में, पता है। हाँ, 17-18 जो आप चला रहे हो उनके हिसाब से हम सोच रहे हैं। अच्छा, आपको भी कॉल गया? नहीं, कॉल कह रही है आपके चेहरे। नहीं, मुस्कान तो मेरी हमेशा सदा ऐसी रहती है, बिल्कुल ऐसी रहती है हमेशा। लेकिन भाई, मंत्री बनने के बाद तेज दौड़ना, दो रुक के बात कर लो, तो दौड़ना ही आपको आगे, तो मंत्री बनने बताइए। वास्तव में मैं तो जो मंत्री बन रहे हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए और उनको बधाई देने के लिए आया हूँ। अभी तक जो आए हैं उसमें जिनके पास फोन आया वही आए हैं। राजभवन जाते थे, मेरे पास तो फोन नहीं है। आपको बधाई दे रहे हैं उनका क्या? आपको तो बधाई दे रहे हैं। नहीं, मेरे को बधाई दे रहे हैं तो उनके एक्सेप्ट कर रहा हूँ जी। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं सर, अग्रिम बधाई आपको क्या कहना चाहिए? काई की किसकी? नाम आपका भी चल रहा है नहीं, वो टीवी में अखबार में चल रहा है, बाकी मेरे पास कोई सूचना नहीं, मेरे पास कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं जी। और आपके क्षेत्र की जनता को काफी उम्मीदें हैं आपको? देखो, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। और उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, मैंने संकल्प लिया है कि उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, और प्रयास ही नहीं करूंगा, पूरा खरा उतरूंगा। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने, भारतीय जनता पार्टी का भी सोच सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास है। और एक किसान का बेटा भरतपुर जिले में जन्म जिसने लिया हो, गिरिराज जी के अनन्य भक्त प्रदेश के मुखिया के रूप में है, तो हमें उम्मीदें हैं जो हमारी उम्मीदें निश्चित रूप से पूरी होंगी। देखिए, मेरे पास कोई भी सूचना किसी प्रकार की नहीं है। पर मंत्रिमंडल में आपका नाम बताया जा रहा है क्या मंत्रिमंडल? अब वो अखबार और टीवी से मैं देख रहा हूँ, बाकी मेरे पास ज्यादा कोई सूचना इंटेलिजेंस तो कुछ कोई मेरी इंटरनल इंटेलिजेंसी नहीं है। मेरे गिरिराज गोवर्धन जी को प्रणाम करता हूँ, वो जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जवाहर सिंह बेडम जी, और इनका साफ तौर पर अभी ये कहना है कि इनके पास कोई फ़ोन नहीं आया, इनको कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनाई में आ रहा है कि बेडम जी का भी नाम कहीं ना कहीं संभावित मंत्रिमंडल की सूची में चल रहा है। तो खैर, देखने वाली बात है कि मंत्रिमंडल में जो शामिल चेहरे होंगे दोपहर 3:30 के बाद में, उस पर से पटाक्षेप हो जाएगा कौन कौन इसमें शामिल होगा, ये तो 3:30 के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक कयासों की अगर बात करें, जो संभावित जो नाम है उनमें से एक नाम जवाहर सिंह बेडम का भी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी जयपुर। महन प्रतापपुरी जी हमारे साथ हैं। महन जी, बहुत बहुत अग्रिम आपको बधाई, आपका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूं पोकण की जनता को, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया और यहां भेजा है। बस मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा एक संकेत है कि आप जनसेवक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना। मुझे आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिसकी सीमा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लगती है। बिल्कुल सत्य है, और सीमा भी कोई 1-2 किलोमीटर में नहीं, सैकड़ों किलोमीटर लंबी हमारी सीमांत क्षेत्र है। और हम सब लोग सीमा पर एक सैनिक और एक संत के रूप में और एक हमारे वहाँ के नागरिक के रूप में, हम तीनों ही कड़ियाँ देश की सेवा में खड़े हैं। पोकण विधानसभा बहुत लंबी है, 300 किलोमीटर लंबाई में है, और विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, सब ढाणियाँ बसे हुए हैं, कोई बड़ा शहर कस्बा भी नहीं है। और इन परिस्थितियों में 88% मतदान करना, यानी भारत के सबसे टॉप मतदाता मतदान करना, फिर रिकॉर्ड मत से पोकण की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। मैं माध्यम था,
तो मैं धन्यवाद भी दूंगा और मुझे गर्व है पोकण की जनता पर कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया और बस आपने जो विश्वास जताया है हम आपका विश्वास को अक्षुण रखेंगे। आपने जो हमें सम्मान दिया आपका सम्मान हम आगे बढ़ाएंगे। सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद में कहीं ना कहीं साधु संत महात्माओं के हाथों में जनता बागडोर देखना चाहती है, आपको भी उसी रूप में देखते हैं? ये हमारे लिए स्वर्णिम युग है। इस स्वर्णिम युग में दो महापुरुष मोदी जी और योगी जी जो मिले हैं वो हम सबके लिए बहुत आदर्श पुरुष हैं और उनके बताए हुए आदर्शों पर हम चलें, यही हमारी चाहना है। जबकि इस समय देश स्वर्णिम युग में हम सबको योगी और मोदी बनना पड़ेगा, केवल एक प्रतापी को नहीं, प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने जीवन में एक आदर्शता को रखते राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति स्वरूपी मान करके योगी और मोदी की तरह दिन रात देश सेवा में लगेंगे तभी ये भारत विश्वगुरु बनेगा और महान बनेगा। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आ रहा है जब भगवान श्री राम मंदिर में विराजेंगे। बिल्कुल, ये भी सदियां सदियां गुजरने के बाद में वो पल आ रहे हैं और ये हम साक्षी हैं कि पुनः ऐसे दिव्य दर्शन जो हमारे महापुरुष के द्वारा हम करेंगे भगवान राम के और पूरा विश्व करेगा, राम राज्य की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ महंत प्रतापपुरी जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि भले ही जो फोन आने की जो बात जो कही जा रही है उसके बारे में इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं करा, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये खबर सामने आ रही है कि महंत प्रतापपुरी जी के पास में फ़ोन आ चुका है। इन्होंने कहा है इस बात पर, इन्होंने कहा कि संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा वो सहर्ष इन्हें स्वीकार है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आगे ले जाने में और पोकरण जिस धरती से ये आते हैं उस धरती का विकास करने में कहीं ना कहीं ये अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और पाकिस्तान से अटती हुई वो सीमा है कहीं ना कहीं उस और भी इनका पूरा ध्यान है और जो भी मुश्किलें जो सीमावर्ती इलाके में जो आती हैं उन तमाम मुश्किलों का इन्हें बखूबी इन्हें ज्ञान है, उन तमाम मुश्किलों को ये दूर करेंगे और आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर कहीं ना कहीं पूरा देश और हर एक नागरिक साधु संत महात्माओं कि हम कह सकते हैं कि उनके आशीर्वाद के नीचे वो रहना चाहते हैं, तो वही रूप महेंद्र प्रतापपुरी जी का भी राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं देखती है, पोखरण की जनता कहीं ना कहीं देखती है और उसी को लेकर महेंद्र प्रतापपुरी जी का कहना है कि जो भी पार्टी की ओर से आदेश उनको मिलेंगे उसे वो सदा सर्वदा वो उसकी पालना करेंगे और अपने क्षेत्र की जनता को विकास के एक नए आयाम तक पहुँचाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेश टीवी जयपुर। अरे विशेष जानकारी नहीं, जानकारी क्या आप अभी यहाँ पहुँच किया है? पार्टी कार्यालय आते, हम लोग आते रहते, पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यालय आते ही रहते और हमारे पार्टी से शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्देश मिलता है उसकी पालना करते। नहीं तो शीर्ष नेतृत्व से आपको कॉल तो आया होगा? आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मंत्री बनते हैं कामकाज में कितना इफेक्ट पड़ेगा आपकी, किस तरह से आया है कॉल आया आपके पास? नहीं वो इसकी मुझे जानकारी नहीं। जोगाराम जी मंत्री बनते हैं तो सरकार को चार चांद कैसे लगेंगे, राजस्थान में विकास कैसे होगा? वो तो जो मंत्री बनेंगे वो अवश्य बताएंगे, मंत्री बने या नहीं बने हम कार्यकर्ता हैं और जनता की सेवा करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अगर मंत्री बनते हैं वो मंत्री जो बनते हैं वो इस संबंध में सूचना देंगे, कार्यकर्ता के बारे में कह सकता हूँ, हो सकता है मुझे इसकी जानकारी नहीं, आपको जानकारी है तो हो सकता है आपको जानकारी, आपकी जानकारी है। 3 बजे कौन शपथ लेंगे आपको लगता है? ये मुझे इस बार विशेष अधिकृत तो सूचना नहीं। राजभवन तो आप जा रहे हैं? राजभवन तो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।